Hello friends, my name is Lovely Joshi and you are watching my YouTube channel Automech Engineer. Automech Engineer channel पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल IPH 2018 जो एग्ज़ाम हुआ था IPH का, ठीक है, मैकेनिकल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन सभी ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम किसी का आगे आने वाला है। ठीक है, चाहे HPSSB वाले एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और HAS का एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी जैसे आप सभी को पता है कि अभी पोस्टें निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, सिविल की भी निकाली गई है और इलेक्ट्रिकल की भी निकाली गई है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम हेल्ड होना है लेक्चरर मैकेनिकल का भी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का भी और सिविल का भी। ठीक है, तो उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी रिजर्व असेंबली कंस्टिट्यूएंसी आर देयर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व सीटें कितनी है विधानसभा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सीटें हैं। ठीक है, 3 सीटें कांगड़ा में रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व का मतलब है, अब आपको पता है रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। रिजर्व कैटेगरी में आते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब कांगड़ा में टोटल सीटों की बात करें विधानसभा की, कांगड़ा में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 15। 15 में से जो 3 सीटें हैं वो है रिजर्व। किसके लिए रिजर्व है? वो है तीनों शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब की कांगड़ा में कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। अब मैं ओवरऑल की बात करता हूँ। अब आपको पता है ओवरऑल सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68, जिसमें से जो 20 सीटें हैं वो है रिजर्व। ठीक है, तो 20 में से मैं आपको अब अलग अलग कैटेगराइज करके मैं आपको बताता हूँ। 17 सीट्स है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व और 3 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व। तो टोटल हो गया 17 और 3 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच माउंटेन पासिस जॉइन लाहौल एंड स्पीति एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा माउंटेन पास है जो लाहौल और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजुम दर्रा। ठीक है, जो कुंजुम दर्रा है ये लाहौल और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में है बारालाचा। जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है और लद्दाख का जो लेह जिला है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है कुगती, कुगती ज्वाइन करता है लाहौल और भरमौर को आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है पादरी, पादरी कनेक्ट करता है चंबा और जम्मू को, इम्पोर्टेंट है। लगभग 60 से 70 पासिस है, ये सभी आपको याद रखने हैं और याद करने ही पड़ेंगे अगर आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज महाकाली लेक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबको आता होगा ये क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ महाकाली लेक। तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और बाकी ऑप्शन की भी बात करते हैं, एक एक झील में आपको और बता लेता हूँ। एक सियोलसर झील है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है, ठीक है, जलोड़ी जोत के समीप है ये। किन्नौर की एक फेमस झील है, कौन सी है? नाको झील, ये भी आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति की चंद्रताल और सूरजताल झील, ठीक है, चंद्रताल और सूरजताल, ये आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दुधौन ग्लेशियर। ठीक है, किस जिले में दुधौन ग्लेशियर है? तो दुधौन ग्लेशियर है कुल्लू जिले में, ठीक है, दुधौन है एक और एक है पार्वती ग्लेशियर। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन पेगोड़ा स्टाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेगोड़ा स्टाइल में इनमें से कौन सा मंदिर को बनाया गया है? तो ये है हिडिम्बा।
ठीक है, हिडिम्बा माता का जो मंदिर है जो मनाली में है, मनाली कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको पगोड़ा शैली में बनाया गया है। अब पगोड़ा शैली कैसी होती है मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हिडिम्बा माता टेम्पल कुल्लू, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, ठीक है। जब इस तरह की शेप होती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं पैगोड़ा शैली, ठीक है। तो जो हिडिम्बा माता टेम्पल है ये पैगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है। बाकी मंदिरों की बात करते हैं जो इन ऑप्शन में दिए गए हैं। शक्ति देवी छत्रारी, ये पड़ा डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तो ये बनाया गया है पेंट्रूप स्टाइल में। हटेश्वरी हाटकोटी मंदिर जो है, सुना होगा, ये पड़ा रोहडू में। रोहडू किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, ये पड़ा डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो ये बनाया गया है पैरामेडिकल स्टाइल में, ठीक है, पिरामिडिकल स्टाइल में। फिर है लक्षणा देवी भरमौर, ये भी पड़ा डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और ये भी बनाया है पेंट्रूप स्टाइल में। तो इन ऑप्शंस को भी आपने ध्यान रखना है, क्या पता अगली बार इन ऑप्शंस में से कोई मंदिर आपको पूछा जाए और किस स्टाइल में बनाया गया है और प्लेस, ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और जो हिडिम्बा माता मंदिर है, इसे इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था राजा बहादुर सिंह ने, ठीक है, कब बनाया था, 1553 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नियर विच टाउन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज सीपी फेयर सेलिब्रेटेड इन मई, ठीक है, जो सीपी फेयर है ये मई में सेलिब्रेट किया जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नियर विच टाउन, ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मशोबरा में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सीपी फेयर भी। सीपी फेयर कहाँ मनाया जाता है, मशोबरा के समीप, ठीक है, या मशोबरा में, ठीक है। और फिर रामपुर की बात करते हैं, रामपुर में एक लवी फेयर हो गया और एक फाग फेयर हो गया, इम्पोर्टेंट है दोनों। रोड़ू में रोड़ू फेयर हो गया, ये भी फेमस है, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच एनजीओ पेटिशन्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स इंक्लूडिंग द वन बाय हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी, इन ऑप्शन में से कौन सी एनजीओ है जिन्होंने एक याचिका दायर की है, ठीक है, इन्होंने एक याचिका दायर की है कि भाई अनऑथोराइज तरीके से होटल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से एक जो होटल है वो है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी, ठीक है। तो जो याचिका दायर की गई है वो की है ऑप्शन नंबर बी ने। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, SPOKE, स्पोक ने याचिका दायर की है, ये तो है शॉर्ट फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कसोली इनवाइंस, ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कसोली इनवाइंस, ठीक है। इन्होंने याचिका दायर की है, किसको याचिका दायर की थी, ये की गई थी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली, जो टेरिटोरियल काउंसिल है इसे कन्वर्ट कब किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसे कन्वर्ट किया गया था 1963 में, इसे कन्वर्ट किया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, HP टेरिटोरियल काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, तो इसके जो पहले चेयरमैन कौन बनाए गए थे, ठाकुर करम सिंह इसके पहले चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है। उस टाइम कितने मेंबर थे, 41 मेंबर थे उस टाइम, ओके, ऐसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाबा भालकू म्यूजियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो बाबा भालकू म्यूजियम है ये किस टाउन के समीप है, तो ये है शिमला टाउन के समीप। बाबा भालकू जो म्यूज़ियम है ये एक रेलवे म्यूज़ियम है, ठीक है, जो ये बाबा भालकू है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, एक तरह से इन्हें एक इंजीनियर आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सुझावों के द्वारा जो ये रेलवे, जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, और जो कालका शिमले जो रेलवे स्टेशन, मतलब जो रेल आती है इन्हीं की वजह से आती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था उस टाइम ब्रिटिश का उस ट्रैक को बनाने में, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ अपने सुझाव वहाँ पर ना रखे होते तो शायद ये कालका रेलवे जो ट्रैक है ये शायद ना उस टाइम बन पाता,
तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो बाबा भालकू म्यूज़ियम कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच हिमाचली इज द ऑथर ऑफ नोवेल रमता जोगी? ठीक है, इनमें से कौन सा हिमाचली है, इन ऑप्शन में से कौन सा हिमाचली है जिसने जो नोवेल एक लिखी है रमता जोगी, कौन है इनमें से? तो वो है हरी राम जास्ता। ठीक है, हरी राम जास्ता ने नोवेल लिखी है रमता जोगी। ये थे 10 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, और अब आएंगे नेशनल लेवल के क्वेश्चन, फिर आएंगे इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, फ्रॉम विच असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ कर्नाटका डिड के सिद्धरमैया कॉन्टेस्ट ड्यूरिंग द 2018 असेंबली इलेक्शन? जो के सिद्धरमैया है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं ये, तो इन्होंने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, ये इलेक्शन के लिए कहाँ से खड़े हुए थे? तो ये खड़े हुए थे बदामी से। ठीक है, बदामी कंस्टिट्यूएंसी से। ठीक है, तो हालांकि ये दो सीट से उठे थे, एक बदामी हो गया, एक चामुंडेश्वरी हो गया। ठीक है, बदामी से तो ये जीत गए थे, लेकिन जो जो ये चामुंडेश्वरी है वहाँ से ये हार गए थे। हालांकि ये 5 बार पहले चामुंडेश्वरी से जीत चुके थे। ठीक है, तो ये हार गए वहाँ से। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ऑप्शन ही दिया गया है कि भाई ये कहाँ से उठे थे, तो ये इन ऑप्शन में से बादामी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादामी। ये जो के सिद्धरमैया है, ये कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, उस टाइम ये हार गए और अभी कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टनल विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर कारगिल एंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, ऑप्शन में सारी जो टनल है, ये चारों के चारों ABCD, ये सारी टनल जम्मू एंड कश्मीर में है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रीनगर कारगिल एंड लेह इन जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टिविटी है वो कौन सा रेलवे टनल प्रोवाइड करता है? तो ये करता है जोजिला टनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टनल है ये, 14.15 किलोमीटर लंबी टनल है ये। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यही जोजिला टनल जो है, ये श्रीनगर कारगिल और लेह को आपस में कनेक्ट करती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट 22 टाइम्स? ठीक है, तो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 22 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी है? ठीक है, तो ये है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कामी रीता शेरपा। तो ये क्वेश्चन है 2018 का, अब लग पड़ा है 2021। ठीक है, तो 2018 से 2021 के बीच में 3 बार इन्होंने और चढ़ाई कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 22 नहीं आएगा। ठीक है, अब आएगा, अगर अब इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो अब आएगा 25 बार। ठीक है, तो 25 बार, ये एक ऐसे आदमी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, मतलब माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि पिछले ही साल जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ठीक है, पहले कितनी थी, 8,848 मीटर। ठीक है, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना, कितनी बड़ी, ये बड़ी 0.86 मीटर। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द कन्वेनर ऑफ नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर इन इंडिया? ठीक है, हु इज़ द कन्वेनर ऑफ नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर इन इंडिया? बॉन्डेड लेबर के बारे में आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। जो बॉन्डेड लेबर, वो लेबर होते हैं, मान लो किसी से इन्होंने लोन लिया होता है और ये लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जिससे इन्होंने लोन लिया होता है तो फिर क्या होता है कि
वो उन्हें बोलता है कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, ठीक है, और फिर हम तुम्हें वेजेस देंगे। तो बट जो ये जो वेजेस देते हैं जिससे लोन लिया होता है, ये बहुत कम वेजेस देते हैं और इनके साथ थोड़ा सा अन्याय कर लेते हैं और ये पूरी उम्र भर उस लोन को चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर। ओके, तो आज भी ये जो इंडिया में है अभी भी वैसे इसे एवोल्यूशन कर दिया था 1976 के एक्ट में, बट आज भी ये होता ही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर। तो इसके जो नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर इन इंडिया, तो किससे बनाया गया इसका सहयोगी, ठीक है। बॉन्डेड लेबर का मतलब है हिंदी में इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है। तो किसे बनाया गया है कन्वेनर, तो वो बनाया गया है निर्मल गोरोना को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे ये इंसान है, देख लेना इनकी वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 यहाँ पूछा गया है के अनुसार क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की कौन सी है, तो अभी भी वही है, उस टाइम भी वही थी, तो ये है इंदौर, ठीक है। लगातार पिछले 4 सालों से ये क्लीनेस्ट सिटी बनी ही हुई है, ठीक है। 2020 तक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसका कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं है, लेकिन 2017, 18, 19 और 20, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20 लगातार 4 सालों में जो इंदौर है ये क्लीनेस्ट सिटी बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 5th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन हॉकी टूर्नामेंट इन मई 2018। तो उस टाइम हुआ था साउथ कोरिया में, होस्ट किया गया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी नर्सेज का रिजल्ट भी आया था, स्टाफ नर्स का, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये उनका डे है जो अभी नर्सें लगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 मई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर विच कैरिड आउट द रिनोवेशन ऑफ कुतुब शाही टॉम्स इन हैदराबाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधे मतलब है कि वही हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं आगा खान ट्रस्ट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में, याद रखना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं फिर है, इन विच कंट्री इज़ काबा द इनर श्राइन ऑफ मॉस्क्यू एट मैका, ठीक है। तो आपने सुना होगा मैका मदीना के बारे में, ठीक है, जो ये मैका है और मदीना, ठीक है, ये दोनों सऊदी अरबिया में पड़ते हैं, ठीक है। मैका एक भी एक प्लेस है, मदीना भी एक प्लेस है। जो ये मैका है, मैका के अंदर एक, मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो बाहर है ये मैका एक प्लेस है, और जो ये वाला है इसे काबा कहते हैं, ठीक है। ये काबा है जो ये ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, आपने सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है, मुस्लिम का। तीन ही जगह फेमस है ये, एक मैका हो गया, एक मदीना हो गया, और एक इज़राइल के जेरूसलम में है, ठीक है, उसका नाम है अल अलेक्सा, ठीक है, अल अलेक्सा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। तो जो ये मैका है, काबा, मैका है, मैका के अंदर ये काबा है, ठीक है, जो मैंने दिखाया था आपको अभी, ये इस ये ठीक है, इसे काबा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सऊदी अरबिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन।
ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बुदापेस्ट? तो पहले आपको पता होना चाहिए जो ये बुदापेस्ट है, ये है हंगरी की कैपिटल। किसकी है? हंगरी की कैपिटल, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बुदापेस्ट? तो ये बसा है दानूबे रिवर, ठीक है, दानूबे रिवर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के एग्ज़ाम में, जो हुआ था 2018 में, ठीक है। आगे में और जो एग्ज़ाम हुए हैं मैकेनिकल के, उसमें जो जीके पूछी गई थी उनको भी कवर करूंगा, और उसमें जो टेक्निकल सेक्शन पूछा गया था उनको भी मैं धीरे धीरे अपने वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और अगर आपको इस जो ये वीडियो है जो मैंने इसमें कॉन्टेंट लिया गया है 20 क्वेश्चन का, इसकी PDF चाहते हैं, तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटो मैक इंजीनियर नाम से मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये जो PDF है वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई जो भाई है न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।